ताबड़तोड़ चोरी कर ऑनलाइन सामान बेचने वाले प्रेम प्रेमिका गिरफ्तार। 5 से 27 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत तमाम चीजें हुई बरामद। कर्मचारियों की पिटाई से कर्मचारियों में गुस्सा, प्रशासन से इंसाफ की कर रहे हैं मांग, कहा पीड़ित कर्मचारियों को देना चाहिए मुआवजा। कांवड़ियों की सहायता के लिए कैंप का किया गया उद्घाटन। कांवड़ कैंप में आराम कर रहे हैं कांवड़िए, उठा रहे हैं सुविधाओं का लाभ। रघुवरपुरा में जल्द बनकर तैयार होगी सड़क, सांसद ने किया उद्घाटन। एमएलए फंड से होगा सड़कों का निर्माण। और सूरजमल बिहार में खराब ट्रैफिक लाइटों से लोगों को होना पड़ रहा है परेशान, का सड़क पार करने के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। यमुना पार में चोरी की ताबड़तोड़ वारदात करने वाले बंटी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों खाली पड़े मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। इनके पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, लैपटॉप, बाइक, पावर बैंक और हार्ड डिस्क बरामद की है। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात मंडावली के एक फ्लैट में चोरी हुई थी। चोर फ्लैट से लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन की चोरी करने के साथ साथ घर के बाहर खड़ी बाइक पर भी अपना हाथ साफ कर गए थे। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इस दौरान पुलिस को चोर के बारे में सुराग मिला। गुरुवार रात बदमाश को पुलिस ने चोरी की बाइक से साथ गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान आयुष के रूप में हुई। पूछताछ में आयुष ने बताया कि वह अपनी प्रेमिका पिंकी के साथ वारदात को अंजाम दिया करता है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पिंकी के पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि आयुष पर चोरी के 5 मामले दर्ज हैं। बंटी बबली की जोड़ी ने लक्ष्मीनगर, मंडावली और मधुबिहार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये 23 तारीख को मंडावली में एक फ्लैट में चोरी हुई थी, जिसमें एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और कंप्लेनेंट का इवन मोटरसाइकिल, ये सब चोरी हो गया था। तो इसी को लेके हमने एक स्पेशल एक टीम गठित करी मंडावली थाने में। तो इस टीम के पास इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़का जो है यहाँ देखा गया है, जो चोरी शुदा मोटरसाइकिल है उस पर वो घूम रहा है इसी एरिया में। तो ट्रैप लगा के जब इस लड़के को पकड़ा गया तो पता चला कि ये आयुष गोयल है। इसकी उम्र 23 साल है। ये पीछे आगरा यूपी का रहने वाला है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ये। पर इसने बहुत सारी यहाँ गर्लफ्रेंड बना रखी हैं और ये बर्गलरीज करता है घरों में, और उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह जो चोरी करता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ ही चोरी का सामान रखता है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने मोटरसाइकिल के अलावा 27 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इवन वहाँ से जो चप्पलें भी चोरी कर ली थी इसने, वो भी रिकवर हुई हैं। और इसकी 5 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ये यहाँ क्राइम कमिट करता था, उसके बाद आगरा चला जाता था। एक ही के पास सामान बरामद हुआ है, बट इसने खुद ही बताया कि मैंने यहाँ 4 गर्लफ्रेंड्स बना रखी। लगभग सर अब तक इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया? देखिए, ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें मंडावली, मधुविहार और लक्ष्मीनगर के कुछ केसेस में ये मोबाइल कनेक्ट हुए हैं। बाकी मोबाइल्स की हम पड़ताल कर रहे हैं कि वो कहाँ से चोरी की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में शुक्रवार को कई सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को लेकर रोष है। सफाई कर्मचारियों कहना है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम हड़ताल करेंगे। हमारी जनता से प्रार्थना है वह कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। साथ ही हमारी प्रशासन से मांग है कि वह पीड़ित कर्मचारियों को मुआवजा दे। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि हमारा फील्ड का काम है, प्रत्येक कर्मचारी को प्रोटेक्शन देने तो बहुत मुश्किल ऐसे हो जाएगी, लेकिन आम पब्लिक के जो लोग हैं उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि देखिए, कर्मचारी अपने आप गंदा रह के आप सबको गंदगी से निजात दिलाता है,
तो पब्लिक को कॉपरेट इसमें करना चाहिए। इसमें हमने कमिश्नर मैडम जो हमारी उनसे मांग की हमने कि कर्मचारी जो पीड़ित थे इस समय उन्हें भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए, जब तक उनका इलाज चले उनको अवकाश दिया जाना चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं वैसे तो उनकी एफ आई आर दर्ज की गई है, उसमें उनके ऊपर 300 186 का मुकदमा, 332 323 308 का मुकदमा लगाया, 34 मुकदमा लगाया है, तो वो अंदर तो जाएंगे बिल्कुल वहाँ पे। लेकिन पब्लिक से यही गुहार करना चाहेंगे कि इस तरह घटना ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा हम मजबूर होकर उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और एक कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, हमें रोडों पे तो काम करना ही पड़ेगा, गलियों में करना पड़ेगा, ये हमारे साथ कुठाराघात करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे मिलकर पूरी दिल्ली के हड़ताल करेंगे और पूरी दिल्ली को ऐसे कूड़े से लथपथ कर देंगे, या तो हमारी सुनी जाए या हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसे व्यवहार नया किया जाए। अब हम आपको झिलमिल की खबर दिखा रहे हैं, जहां जोर शोर के साथ कावड़ कैंप का उद्घाटन किया गया। कैंप का उद्घाटन शिवहोम कावड़ सेवा समिति और श्रीवास्तव समाज सेवा समिति द्वारा किया गया। यहां कावड़ों के आराम के लिए कैंप लगाया गया है और उनकी सुविधाओं के लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। आयोजकों का कहना है कि कैंप में हर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। कैंप में विशेष तौर पर कावड़ों के आराम करने के लिए जगह और खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। कावड़ सेवा में हम जो अपने से होता है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भोलों के लिए सबसे पहले जो हमारा इंतजाम है सकोटी का है, जो हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने जो कहा है सकोटी का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस और हमने एक्स्ट्रा 50 वर्कर्स लगा रखे हैं सकोटी के लिए, जो चारों तरफ पंडाल के लिए रहते हैं। उसके अलावा उनके पूरा मेडिकल सिस्टम, उनका खाने की पूरी व्यवस्था, उनकी चाय की पूरी व्यवस्था। 20 साल से तकरीबन कांवड़ लगा रहे हैं और कांवड़ में अपनी जो व्यवस्था रहती है, उनके भोले के खाने पीने की व्यवस्था, उनके आराम की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, उनके बैठने और उठने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, सिक्योरिटी की पूरी पूरा ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे सीसी कैमरे हो गए और फायर का वो हो गया, फायर इक्विपमेंट, तो उनका पूरा ध्यान। हम कोशिश करते हैं भोलों को कोई परेशानी ना हो और जो अच्छे से अच्छा हो सके भोलों की सेवा की जाए, खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की, स्नान की, शौचालय की, सिक्योरिटी की, फायर की, ये सब अरेंजमेंट हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पूर्वी दिल्ली के रघुवरपुरा इलाके में टूटी सड़क को दुरुस्त करने के लिए निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। निर्माण कार्य की शुरुआत पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर के द्वारा की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक अनिल वाजपेयी ने बताया कि विधायक फंड से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा, इनके बाद और सड़कों की हालत पर सुधारने के लिए तैयारी हमने कर ली है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क के टूटे होने से तमाम तरह की परेशानियां होती थी, जिनसे अब निजात मिल जाएगी। साथ ही लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, हमारे जो माननीय सांसद हैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से, जो वो आज 3 करोड़ रुपये की लागत से ये सड़क है, और हमारे सभी जो तीनों हमारे काउंसलर्स हैं, बहन कंचन मैसरी जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी और रमेश गुप्ता जी, तीनों का नगर निगम का क्षेत्र होता है और कई वर्षों से ये सड़क नहीं बनी थी। ये तो जिस तरीके से सतनाम रोड बनी है उसी तरीके से ये रोड आज़ाद नगर चौक से लेकर और ये महावीर चौक तक बनी। अभी तो मेरे ख्याल से 123 गलियों का काम हमारा सेंक्शन हो गया है जो चल रहा है, और राजेश पायलट चौपाल में 80 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है, जाटव मोहल्ला है 78 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है, बाकी जो योजनाएं होंगी वो सब और जनता की। देखो, ये जो सड़क आप आज उद्घाटन होने जा रहा है, ये पिछले 2 साल से हम इस पे मेहनत कर रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था, परंतु जब विधायक जी इधर शिफ्ट हो गए तो काफ़ी अच्छे से लोगों की सुविधाओं के लिए हम भी अपनी बात रख पाते हैं और वो भी उस पर ध्यान देते हैं, जिससे कि आज क्षेत्र की कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसका टेंडर ना हुआ। मैं यहाँ लगभग 88 गलियाँ बन रही हैं, चाहे वो अजीत नगर हो, चाहे पुराना सिलमपुर, अमर मोहल्ला, रघुपुरा हो, राजगढ़ कॉलोनी हो, सुभाष मोहल्ला हो, सभी मिला के टोटल 88 गलियों का निर्माण शीघ्र चालू होने वाला है। कुछ का निर्माण शुरू हो चुका है और आज जिस सड़क का उद्घाटन है उससे लोग बहुत परेशान थे, पता नहीं चलता था गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन आज इसका उद्घाटन हो जाएगा, जल्दी ये सड़क बनेगी, 2 करोड़ से ऊपर की लागत की ये सड़क है। इसके बनने से यहाँ पे हजारों लोगों को सुविधा होगी, जो परेशानियाँ झेलते थे कि वह गड्ढों में बूढ़ी महिलाएं, माताएं गिर जाती थी, उनको चोट लगती थी, रिक्शे पलट जाते थे, वो सारी समस्या का समाधान होगा। दिल्ली की रेड लाइटों की हालत किसी से छिपी नहीं है, कहीं लाइटें खराब हैं तो कहीं लोग खुद ही लाइटों की परवाह नहीं करते।
बात पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार की करें तो यहाँ पर रेड लाइटों की हालत इतनी खराब है कि पिछले चार दिनों से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। खराब ट्रैफिक लाइटों पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पैदल सड़क पार करने वाले लोगों का कहना है कि सड़कों पर कभी रेड लाइट होती ही नहीं है, इस कारण से उनको 15 मिनट तक सड़क पार करने का इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रैफिक लाइट ठीक न होने से सभी गाड़ियां रोड पार करने लगती हैं, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ये रेड लाइट यहाँ पर 5-6 दिनों से खराब हुई हुई है। अभी कल परसों भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर वाला गिर गया था यहाँ पर, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। कोई फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक वाले कोई नहीं आता है। बारिश होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। पर एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे तो ट्रैफिक वाले जागते, हमारी दिल्ली पुलिस जागती है, अदरवाइज वरना सब आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। काफ़ी दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ बच्चे भी आते जाते हैं, पार्क पास में, मॉल भी पास में, उसको लेके काफ़ी गंभीरता है यहाँ पर। दिक्कत यह है सर, यहाँ को ट्रैफिक वाला भी नहीं होता और जो भी आता है इधर उधर से दाएं बाएं से दाएं बाएं को देखता नहीं है, एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे। देखिए दिक्कतें तो बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग आप खुद भी देख रहे हैं कि रोड पे जहाँ मर्जी से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, जिससे कि लोग अगर पार कर रहे हैं एक्सीडेंट होने के भी खतरे हैं और चांसेस है कि दुर्घटना भी काफ़ी हो रही है। यहाँ पे भी परसों एक बुढ़े थे, अंकल जी थे, वो भी पार कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे एकदम गाड़ी वाले ने मार दिया। प्रॉब्लम तो खैर है ही, क्योंकि गाड़ियाँ इधर की इधर हो रही हैं उधर जा रही हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आना है कहाँ जाना है, कौन सी अब रेड लाइट होगी कौन सी नहीं, ये सारी प्रॉब्लम तो हो ही रही हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजन के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया है। ये मारपीट की पूरी घटना हॉस्पिटल के लगे कैमरे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित युवक का कहना है कि वह अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल आया हुआ था, लेकिन अस्पताल वालों ने माँ को भर्ती करने से के लिए कहा। इस पर वह अपनी माँ को वापस ले जाने लगा, तभी वहाँ इलाज कर रहे डॉक्टर को गुस्सा आ गया और युवक के साथ उसकी हाथापाई हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं इधर इमरजेंसी में आ गया उसको लेकर, लेकिन इधर डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, बार बार प्रेशर डाला कि एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा एडमिट वाली पोजीशन नहीं लग रही है, आप मेरे डॉक्टर से बात कर लो, लेकिन उन्होंने मेरे डॉक्टर से बात करने नहीं चाहा। तो मैंने कहा चलिए मम्मी चलते हैं, यहाँ पे ये एडमिट करेंगे और आपकी एडमिट वाली पोजीशन नहीं लग रही है मुझे। तो हम चलने लगे तो ऊपर से जो डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे हैं उन्होंने ये बोला कि हमने धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है, जिसके पास मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे साथ ये मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सीसी फुटेज इसके अंदर है। और मेरी मदर को ये बोला कि ये सीवीआर पेन है जिसमें इनको एडमिट करना ही पड़ेगा। अब डेढ़ घंटा हो चुका है, अभी तक मेरी मदर ठीक पोजीशन में है। आप लोग देख सकते हैं कि किस लिए इन्होंने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है मारपीट करना। और जो थर्ड पर्सन था उनका तो अभी पता लगा कि वो ड्राइवर है, ड्राइवर भी हम पर हाथ उठा रहा है, डॉक्टर तो उठा ही रहा है ड्राइवर भी उठा रहा है, और हमें धक्के देते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने देखी है और कैप्चरिंग की है। सीनियर से बात की, सीनियर कहते हैं कि गलती आपकी है कि आपने उन्हें उकसाया होगा, जबकि उकसाया उन्होंने है, उन्होंने शब्द ये लिया कि ये कोई धर्मशाला थोड़ा खोल रखी है हमने। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को अगर धर्मशाला कहा जाएगा तो गरीब आदमी तो फिर इलाज करा ही नहीं सकता। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि डॉक्टर नहीं है। अब जिनको डॉक्टर कहा जाता था, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता था, वो शैतान का रूप ले चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत के बारे में बताया कि पहले बच्ची लड़की होने के बाद से ही उसके पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वही मारपीट करता रहा, दहेज मांगता है, जब से लड़की हुई है नु कहता है से मार दे, बताओ मैं कहाँ से मार दूं इस लड़की को। वही घर वाले ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, वही जब से कर रहे हैं शुरू से, जब से लड़की हुई है जब से, और कर रहे हैं जब से ज्यादा कर रहे हैं। अब दूसरे साल चल रही है शादी को, डेढ़ हो गई, लड़की थी मार्च में हुई थी। जब से लड़की है जब से ज्यादा परेशान कर रहा लड़की को, बताओ दहेज मांगता मैं कहाँ से दूँ दहेज, बताओ। रबीना अमेन के पति का रबीना में, और ससुरा भी परेशान करता है, इसके सास भी परेशान करती है, दहेज मांगे और इसकी भाभी भैया भी दहेज मांगे, सारे रिश्तेदार परेशान करते करवाता, सब रिश्तेदार सब पिटवाते को बुला लेता। परेशान तो कर रहा शादी से ही, से लड़की जब से लड़की जब से और ज़्यादा कर रहा, यही बार बार ये उसकी मांग करता, बैठ करता पैसे इनकी, बार बार पैसे लेकर ऐसे 12 सुबह निकाला, रात 4 आदमी को लेकर गाली गुप्तार करवा रहा लड़की को,
खुद भी करता रहे, भाभी भी करती है, भाभी भी मान को आवे लड़की को। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच कराने के लिए तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल लेवल की पिच बनाने का काम शुरू हो गया। पिच बनाने की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी लोगों को दी गई जिन्होंने फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड, रोशन आरा क्लब की क्रिकेट पिच बनाई है। इसके बाद यहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों के लिए बैठने के लिए लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने सरकार से लेटर लिखकर मांग की है कि जो लोग कभी इंटॉलरेंस, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने एक सवाल उठाया है कि पिछली बार जब भाजपा की सरकार आई थी तो कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी के नाम पर बीजेपी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया था, पर अब एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास किया मॉब लिंचिंग के नाम पर। अब हमारा मानना है कि ऐसे लोग जो देश विरोधी ताकते हैं, जो इस प्रकार से देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जहाँ एक तरफ हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई होते हैं, वहाँ इस प्रकार कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो कल तक सरकार के चाटुकार हुआ करते थे, जिसके माध्यम से उन्हें फ्लैट भी मिलते थे, बाहर घूमने भी जाते थे, अवार्ड भी लेते थे, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी कोठियों में अपने एनजीओ हैं जिनसे वो पैसा लेते हैं। तो ऐसे लोग अगर कुछ लोग 40-50 लोग 130 करोड़ लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल अगर पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश के लिए हानिकारक है। और में क्या मांग कर रहे हैं? हमने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और चूँकि ये लोग उस समय में कांग्रेस की सरकारों में ये भांड हुआ करते थे, जो उनके गुणगान गाया करते थे, जिसके माध्यम से इन्हें पद मिलते थे, अवार्ड मिलते थे, विदेश में दौरे करते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लाखों रुपये महीना का जो फ्लैट है उन्हें कोड़ियों के भाव किराए पे मिला हुआ है। तो ऐसे लोगों का मेरा मानना है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाओ ताकि देश का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। और हम जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, आज 12th का बच्चा भी इस बात को पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे माहौल ख़राब होने का प्रयास होता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप CCNDN को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेश अपडेट ले सकते हैं। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.